तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती हैं या मतलब प्राइवेट सेक्टर की तरीके जो काम करते हैं उनका भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है क्या, उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। कि फॉर सपोज आप किसी अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहे हो, वो एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बट वो प्राइवेट सेक्टर है, तो क्या होता है कि उसमें आपका एक्सपीरियंस जो होता है वहाँ पे भी वो सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपको ऑफर लेटर मेल भी चाहिए, अगर आपको सैलरी स्लिप मेल चाहिए, तो वो सारी चीज़ें उस ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं। बट क्या होता है कि जैसे प्रोफेशनली काम करते हैं कि आपको हर मंथ की सैलरी आपको मेल पे आ जाएगी या आपका पीएफ डिडक्शन, वो सारी चीज़ें, तो कई ऑर्गेनाइजेशन जो प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट टाइप के एक्चुअली होते हैं, कहीं पानी की बॉटल्स बन रही हैं या लोहा बन रहा है या कपड़े बन रहे हैं, जो ऐसे सेक्टर्स होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपका वहाँ पे एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता। एक्सपीरियंस वहाँ भी काउंट होता है, बट क्या होता है कि आपको उनसे बोल के वो सारी चीज़ें लेनी पड़ती हैं, क्योंकि वो प्रोफेशनली नेचर वहाँ पे फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। अगर आप उनसे बोलोगे कि नहीं मुझे पीएफ डिटेल भी चाहिए, तो आपको वो पीएफ डिटेल भी देंगे। आप बोलोगे कि हमें ऑन मेल मेरा ऑफर लेटर या एक्सपीरियंस लेटर या कोई भी अप्रेजल लेटर होता है, वो आपको ऑन मेल चाहिए, तो आपको ऑन मेल भी देते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर होती है कि हार्ड कॉपी वहाँ पे आपको मिलती है। अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या किसी ऐसी जगह काम कर रहे हैं जो आपको लगता है कि रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आप ऑन पेपर करवा लें। और इसके बाद जब भी आप कभी प्रोफेशनली स्विच करते हैं, जब भी किसी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हैं, तो वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के टाइम पे आप उनसे कोऑर्डिनेट करें, उनसे बात करें, ताकि आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, सपोज अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कर रहे हैं, बहुत बड़ा वो प्लांट है, तो वहाँ पे प्रोफेशनली भी होता है। वहाँ वो सारी, चाहे वो कपड़े की फैक्ट्री हो, चाहे वो साबुन बनाने वाली फैक्ट्री हो या किसी भी तरीके की फैक्ट्री हो, तो वहाँ पे भी कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो प्रोफेशनली काम करती हैं। अब मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर बिस्लेरी है या कोका कोला है या थम्सअप है, ये क्या है, एक तरीके से प्लांट है। लेकिन प्लांट के अंदर जो वहाँ पे रिसर्च टीम बैठी है, जो सॉफ्टवेयर टीम बैठी है, जो आईटी टीम बैठी है, तो वो एक तरीके से वो प्लांट में ही काम कर रहे हैं, बट जो भी उनकी प्रोसेस या जो भी उनकी चीज़ें हो रही हैं वो सारी प्रोफेशनल हो रही हैं। उनका एक्सपीरियंस भी काउंट हो रहा है, पीएफ डिडक्शन भी हो रहा है, अप्रेजल्स भी हो रहे हैं और सारी चीज़ें ऑन मेल भी हो रही हैं। बट मैं ये अभी जो आपको बता रहा था वो किसी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बता रहा था कि किसी के पास 4 मशीन है, 6 मशीन है या 10 मशीन है, या किसी के यहाँ 5 एम्प्लॉय हैं, 10 एम्प्लॉय हैं, ये वहाँ के मैं बता रहा था कि अगर आप उनसे बोलोगे तो भी वो एक्सपीरियंस आपका काउंट होता है। हो सकता है अगर उनकी वेबसाइट होगी या मेल होगा तो आप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में वो चीज़ भी दिखा सकते हो कि ये उस प्लांट का ये वेबसाइट और मैं यहाँ पे इतने से इतने दिनों तक वर्किंग था और ये मेरे वहाँ पे सुपरवाइजर का नंबर है, या आपका जो भी लीड हो वहाँ पे उनसे कॉल पे भी बात करवा के आप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करवा सकते हो। अगर वेबसाइट है उस कंपनी की, तो मेल आईडी उस कंपनी की 100% होती है, जो ऑफिशियल मेल आईडी होती है, इन्फो डॉट समथिंग करके जो भी कंपनी का डोमेन होगा उस नाम से मेल आईडी जरूर होती है, तो उस मेल से भी आप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करा सकते हो। तो मेरा सीधा सा कहने का मतलब यहाँ पे है कि आप चाहे वो किसी प्लांट के लिए काम कर रहे हैं, किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, किसी आप ब्रांड में प्लांट के लिए काम कर रहे हैं, तो भी आपका वहाँ पे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है और वो जॉब लीगल मानी जाती है और आपका एक्सपीरियंस लेटर भी काउंट होता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।